जालोर में राजपूत सहित सर्व समाज के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट कलेक्ट्रेट पर दिन भर किया प्रदर्शन एक संत व सितर साल के बुजुर्ग और पांच साल के बच्चे की हत्या के खुलासे की, की मांग जालोर के तीन थानों में पिछले कुछ समय से हुई तीन हत्याओं के खुलासे को लेकर मंगलवार को राजपूत समाज एवं स्वर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया ये लोग तीन साल पहले और थाना क्षेत्र में तिकम दो माह पहले जसवंतपुरा थाना क्षेत्र के पंसेरी गाँव में संत गजाराम व अठारह नवम्बर को बिशनगढ़ थाने के मूड़ी गाँव में पांच साल के भगत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने पुलिस से इन तीनों हत्याओं का खुलासा व तत्काल करने की मांग उठाई इस दौरान आक्रोशित भीड़ की ओर से एक बार कलेक्टर के आगे सड़क पर बैठकर जाम लगाने की कोशिश की गई पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद सड़क से हट गए वहीं उनके बाद पुलिस अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से वार्ता कर बाद आश्वासन मिलने पर संत गजाराम व तीकमसन मामले को लेकर आए लोग धरना समाप्त कर निकल गए वहीं मुड़ी के भगत सिंह को लेकर देर शाम तक परिजन धरने पर बैठे रहे इस दौरान एएसपी रामेश्वर लाल डीएसपी रत्नाराम देवासी भीमल पी हिमत सिंह सारण समेत पुलिस के अधिकारियों ने से वार्ता भी की धरने पर रवि धाम के महाराज सहित कई वक्ताओं ने धरने को संबोधित करते हुए तीनों हत्याओं के खुलासे की मांग की यह है मामला तीकमस अहोर मामले में खेतेश्वर कॉलोनी निवासी तीकमस राजपुर सीतर साल की हत्या 10 दिसंबर 2020 को हुई थी बुजुर्ग का 10 किलोमीटर दूर भागली प्रवितान में सब मिला वही मामले में पुलिस ने नए सिरे से जांच का आश्वासन देकर जांच और थानाधिकारी शंपालाल को छोपी है वहीं संत गजाराम मामले में जसंतुरा थाना क्षेत्र के बंसेरी के एक कुटिया में संत गजाराम की 30 अक्टूबर को हत्या कर दी गई सब पांच छः दिन बाद कुटिया में लोहे की कोठी में मिला था पुलिस ने आश्वासन देकर कहा कि मामले की लगातार उच्च स्तरीय जांच की जा रही है हत्यारों के काफी नजदीक हैं पुलिस ने अब सात दिन के भीतर खुलासा करने का आश्वासन दिया है वही भगवत सिंह राजपुरोहित मूड़ी मामले में पांच वर्षीय भगवत सिंह सत्रह नवंबर को गायब हो गया था उसी दिन देर शाम को घर के काफी दूर सूखे कुएं में शव मिला था परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर मामला दर्ज करवाया परिजन धन्य पर बैठे रहे परिजनों ने कुछ संदिग्धों के नाम बताए पुलिस उनकी तलाश कर रही है